shopkeeper marks up the price of LED 60% above its cost price and gives three successive discounts of 12.5%, D% and 25%. If shopkeepers made a loss of 16% on LED, find the second discount allowed by shop. देखो ये सारा खेल परसेंटेज का है, तो आप परसेंटेज में ही डील करो, ये क्लियर है। और जब कभी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो बेस्ट है कि आप 100 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करो। कि मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 एलईडी का, इसने 60% एबव मार्कअप रखा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस यहां से 60% ज्यादा, क्लियर है, दैट इंप्लाई वो हो जाएगा 160। उसने इस पे थ्री डिस्काउंट अप्लाई कर दिया है, 12.5% का और दूसरा D% का और थर्ड डिस्काउंट है 25% का। इसके बाद इसको 16% का लॉस हो रहा है। इट मींस मार्क प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कम हो जाएगा, 84 आ जाएगा। तभी तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 84 है तो आपको 16 रुपीज का लॉस हो रहा है, करेक्ट है, यानी 16% का लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस थ्री डिस्काउंट के कारण एलईडी का प्राइस 160 से कम होकर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, ये क्लियर है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 25% को आप रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हो? इसका मतलब होता है 1/4, मतलब अगर 25% की कमी कर रहे हो मतलब 1/4 की कमी कर रहे हो। अगर 4 रुपया इनिशियल प्राइस है तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? उससे एक कम, यानी 3/4 हो जाएगा। अगर आप उसमें 12.5% की कमी कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? 12.5% किसके इक्वल होता है? वो होता है 25% डिवाइडेड बाई 2। 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसको आप लिख सकते हो 1/8 की कमी कर रहे हो आप। इसका क्या मतलब है कि 1 रुपए का कमी कर रहे हो 8 रुपए पे। इट मींस अगर 12.5% की कमी कर रहे हो तो उसका फैक्टर रह जाएगा 7/8, ये क्लियर है। डी परसेंट को एज इट इज रहने दो। आपने 160 से स्टार्ट किया है मार्क प्राइस से, सबसे पहले आप 25% इस पे डिस्काउंट दे दो। इसका क्या मतलब है कि आप 1 की कमी कर रहे हो 4 पे, तो 160 पे कितना कमी करोगे? 40 की कमी करोगे। तो 25% डिस्काउंट के बाद ये जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस आएगा वो आ जाएगा 40 से कम, यानी 120। अब इस पे आप दूसरा डिस्काउंट दे दो 12.5 का। इसका क्या मतलब है कि आप अगर इस पे 12.5% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप 1/8 से कमी कर रहे हो प्राइस में। इट मींस अगर 8 रुपया था उस पे एक कम, 15 × 8 120 होता है, तो यहां पे आप 15 की कमी कर दोगे, तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? अब वो हो जाएगा 105। आपको तीसरा डिस्काउंट डी निकालना है। आपको 105 पे ऐसा डिस्काउंट डी परसेंट देना है जिससे उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाए? 84 हो जाए। तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप? इन दोनों का डिफरेंस, यानी 21 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो, और कितने पे? 105 पे डिस्काउंट दे रहे हो। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आएगा? सिंपली आप क्या लिखोगे? 21 / 105, करेक्ट है, और इनटू 100, 21 से ये 5 और 5 से ये 20, दैट इंप्लाई 20%। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।